नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं टाइम 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ हामिद सैफी। मानसून के दस्तक देने के साथ ही मुंबई में बारिश का कहर शुरू हो गया है। मुंबई और आसपास के इलाकों में 9 जून से लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 13 जून तक मुंबई, ठाणे और रायगढ़ समेत कई इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश से कहीं बिल्डिंग धराशायी हो गई तो कहीं सड़कें जलमग्न हो गई। इस बीच घाटकोपर इलाके में पार्किंग में खड़ी कार देखते ही देखते जमीन में धस गई। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बारिश के बाद कार के जमीन में धंसने के मामले पर बीएमसी ने बयान जारी किया है। बीएमसी ने कहा कि इस कार हादसे से निगम का कोई लेना देना नहीं है। ये घटना घाटकोपर क्षेत्र की एक निजी सोसाइटी की है। बीएमसी ने अपने बयान में कहा कि वायरल हो रहे वीडियो के संबंध में ग्रेटर मुंबई नगर निगम के आपातकालीन प्रबंधन विभाग द्वारा जानकारी मिली है, जिसके मुताबिक घाटकोपर पश्चिम में एक निजी सोसाइटी के पास खड़ी कार के जमीन में धंसने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना 13 जून 2021 की सुबह की है। बताया गया कि सोसाइटी के परिसर में एक कुआं है। कुएं के आधे हिस्से को सीमेंट प्लास्टर से ढक दिया गया था, जिसके बाद सोसाइटी के लोग इस एरिया में अपनी गाड़ियां पार्क करने लगे। लेकिन इस बीच भारी बारिश के बाद यहां खड़ी एक कार पानी में पूरी तरह डूब गई और जमीन में धंस गई। इस घटना में किसी को मौत या कोई घायल नहीं हुआ है। घटना के वक्त कार में कोई नहीं था। बीएमसी ने कहा कि इस संबंध में नगर निगम के संबंधित विभागीय कार्यालय द्वारा जल निकासी का काम किया जा रहा है। साथ ही संबंधित सोसाइटी को इस स्थान की सुरक्षा के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने की सूचना दी गई है। घाटकोपर थाने के अधिकारी व कर्मचारी भी मौके पर मौजूद हैं। मुंबई से टाइम 24 न्यूज के लिए सुनील शर्मा की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।